पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए वोटिंग का जो दौर है वो चल रहा है। 2 घंटे पूरे भी हो गए हैं और वोटर्स में जबरदस्त उत्साह भी दिखा है। तो वोट डालने के लिए लोग सुबह से पहुंच रहे हैं और वोटर्स में उत्साह भी दिख रहा है, जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। सुबह से ही लंबी कतारें हैं और वोटर्स आ रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वोट करने में जोश के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग लोग भूल रहे हैं। मऊ में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही हैं, जमकर यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ रही है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भारी भीड़ है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर कोई नाम नहीं है। तो चौथे चरण में भी प्रशासन केवल दावे करके ही रह गया। आप हालत देखिए और आप इस हालत को देखकर समझ सकते हैं कि स्थितियां कैसी हैं। लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, चाहे वो कोरोना की बात हो चाहे वो मतदान की बात हो। भगवान भरोसे रहिए, अपनी सुरक्षा खुद करिए, प्रशासन के बस का कुछ नहीं। फरुखाबाद में मतदान के दौरान जमकर कोरोना गाइडलाइंस को तार तार किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं। मतदान के दौरान वोटर्स के अंदर कोरोना का डर नहीं दिख रहा है, सिर्फ प्रशासनिक फेलियर नहीं, यहां तो आम आदमी भी जागरूक नहीं है। जिला प्रशासन लापरवाह बना हुआ है, ऐसे लोग जो नियमों का पालन नहीं कर रहे न उन पर कार्रवाई करने वाला कोई है न ये लोग समझने वाले हैं। जिला प्रशासन अनजान बना हुआ है। पोलिंग बूथ फरुखाबाद के सभी पोलिंग बूथ का यही हाल है। सभी पोलिंग बूथ पर जहां इतने अधिकारियों को तैनात किया गया था, एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई गई थी कि इस अधिकारी की जिम्मेदारी इस हिस्से में होगी, वो अधिकारी है कहां? और चलिए जमीनी स्थितियों को समझ लेते हैं। सोनभद्र से संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनिल मथुरा से बने हुए हैं। संतोष, अगर हम सोनभद्र की बात करें तो किस तरीके से मतदान चल रहा है, मतदान का उत्साह ज्यादा है या बदइंतजामी ज्यादा है? जी भाई, आपको बता दूं यहाँ मतदान का उत्साह तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बद इंतजामी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कहीं भी किसी भी बूथ में, मैं 3-4 बूथ पे होके आया हूँ, यहाँ पे किसी भी बूथ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे कोई भी सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे थर्मल स्कैनर की भी व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ पे महिलाएं हों या पुरुष हों, आपस में सब एक दूसरे से सट के खड़े हुए हैं। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यहाँ जरूर है कि यहाँ पे सिर्फ मास्क का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन चाहे मतदान बूथ के अंदर की बात हो चाहे बाहर की बात हो, यहाँ पे कोई भी सैनिटाइजर नहीं यूज किया जा रहा है। और सवाल ये भी उठता है कि हर बूथ के लिए सैनिटाइजर कम से कम निर्धारित किए गए थे, दिए गए थे, सैनिटाइजर भी ले गया कोई, लगता है? जी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जनपद सोनभद्र में सैनिटाइजर किट की लगभग 5500 पैकेट की व्यवस्था की गई थी हर बूथ के लिए, और जनपद सोनभद्र में 2171 बूथ बनाए गए हैं। यहाँ पे इसके जस्ट डबल यहाँ पे सैनिटाइजर किट की व्यवस्था की गई थी, लेकिन ऐसे में कहीं भी सैनिटाइजर या किसी भी कोरोना सवाल होता है कि सैनिटाइजेशन जो किट है, ये सैनिटाइजेशन किट कौन खा गया? ये सैनिटाइजेशन किट बूथों पर क्यों नहीं पहुंची है? हमारे साथ अनिल सरस्वत भी बने हुए हैं। अनिल, आप बताइए कि क्या वहां पर ये सैनिटाइजेशन किट है या नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग है नहीं है, कोई इंतजामी दिख रही है या बद इंतजामी है? पोलिंग बूथ पर यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर अभी 2 घंटे से ज्यादा मतदान को शुरू हो चुका है और यहाँ पर किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आगे जहाँ पर पोलिंग बूथ के सामने जाकर वो लाइनों में बिल्कुल गैप, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल खत्म कर दी जाती है, और हम आपको पूरे इसको दिखाएंगे कैंपस को कि किस तरह से यहाँ पर वोटिंग स्टार्ट हो रही है, और आपको इधर भी दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे जरा इधर दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल दरकिनार किया जा रहा है। और यहाँ पर सैनिटाइज की बात की जाए तो यहाँ पर अंदर वाले जाने वाले वोटरों को, हाथों को बिल्कुल किसी भी तरह से सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है। बेहद खराब स्थितियां, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा खराब। अनिल, बहुत शुक्रिया आपका। संतोष, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तो दावा किया गया था कि सारे इंतजाम हो गए, ये किट कहाँ गई जो सैनिटाइजेशन किट, जिसमें सैनिटाइजर होना चाहिए था, वो बूथ तक पहुंची क्यों नहीं? ये एक बड़ा सवाल है कि क्या इस दौर में भी भ्रष्टाचार चल रहा है, इस पर एक बार ध्यान तो सरकार को देना चाहिए।